तो वीडियो में बात करने वाला माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट के एप्लीकेशन के बारे में, जो कि कीबोर्ड एप्लीकेशन है। उस कीबोर्ड एप्लीकेशन के अंदर आपको मतलब AI वगैरह आपको यहाँ पर सारे फीचर मिलते हैं। तो किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है और कौन कौन से आपको इस जो स्विफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का स्विफ्ट के कीबोर्ड है उसके अंदर आपको कौन कौन से फीचर वगैरह मिलते हैं, आज के वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करने वाले। लेकिन जैसे आप यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर एक कीबोर्ड मिल जाता है, तो जिस तरीके से आप यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में जो यहाँ पर बिंग AI मिलता है, तो जो जिस तरीके से 4 AI होता है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो बिंग AI है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पर सर्च करना होता है आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया, तो यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया। यहाँ पर अगर मैंने सर्च कर दिया तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली आप यहाँ पर मतलब सीधा सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वेबसाइट यहाँ पर आपको ओपन हो जाएंगे। फिर उसके यहाँ पर आपको चाहो तो टोन वगैरह आप चाहो तो चेंज कर सकते, जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आप यहाँ पर, या फिर कंपोज का ऑप्शन आता है तो कंपोज के अंदर जाकर के आप मतलब कंपोज के अंदर ऐसे जिसमें कैंसिल कर देता हूँ, तो कंपो यहाँ पर आपको बिंग AI का ऑप्शन मिलता है। फिर उसके यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन है, जिस तरीके से 4 GPT वर्क करते हैं, तो उस तरीके से आप चाहो तो चार मतलब बिंग AI को भी आप यूज़ कर सकते हैं। 4 GPT की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको मोर प्रिसाइज या फिर मोर बैनर से यहाँ पर आपको ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह आपको सकते हैं या फिर कुछ भी से यहाँ पर मीटिंग देता हूँ। राइट यहाँ पर मैसेज सेंड कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करने और डायरेक्टली आपको यहाँ पर पोएम्स यहाँ पर आपको शो कर देगा, मतलब जो भी आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर आपको शो कर देगा। इस तरीके से वगैरह वगैरह आप यहाँ पर पोएम्स वगैरह आप चाहो तो सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे पोएम्स वगैरह आप यहाँ पर 4 GPT यहाँ पर आपको डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इसे कैंसिल करना है तो यहाँ पर आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे GIF वगैरह आप चाहो तो GIFs होते हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे PSAR वगैरह आप चाहो तो यहाँ पर इसमें CR का ऑप्शन आते हैं, और इस CR का ऑप्शन यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है तो यहाँ पर आप चाहो तो इंटरप्रेट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो इनको। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लॉफिंग का ऑप्शन आता है, मतलब काफ़ी सारे जो GIF होते हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टिकर्स का ऑप्शन आता है तो स्टिकर वगैरह आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, और जो इमोशन इमोजीज होते हैं उसको आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन बिंग AI पावर को अपडेट वगैरह यहाँ पर कुछ होते हैं, तो यहाँ पर मीम्स वगैरह चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आता है, जिसको भी आपने मतलब जितना कॉपी करा होगा तो यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हो। तो उसके फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन का ऑप्शन आता है, तो ट्रांसलेशन के अंदर आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई भी सर्च कर लेना, सब यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और कोई भी एक यहाँ पर मैं मान लीजिए यहाँ पर इस पैराग्राफ को मुझे ट्रांसलेट करना है, तो इसको यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ट्रांसलेट के ऊपर जाऊँगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इसे ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ पर आप ऊपर लैंग्वेजेस वगैरह चेंज कर सकते हो, तो लैंग्वेज यहाँ पर आपको रिप्लाई का भी ऑप्शन आता है, तो रिप्लाई पर यहाँ पर आप टाइप करके और ट्रांसलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपको चाहो तो रिकॉर्डिंग यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद बात करते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड करने की जो लिंक है उसको मैंने पिन कमेंट्स के अंदर दे रखे थे, जिससे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, और जैसे आपके सामने एक क्रोम पेज ओपन हो जाएगा तो एक सेकंड यहाँ पर मैं इसे बैक कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको ब्राउजर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर कोई भी एक जैसे यहाँ पर इस तरीके से आपकी लिंक होगी आपको पिन कमेंट्स के अंदर मिलेगी, उसको आपको यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आपको करना है दोनों यूट्यूब चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ पर आपको सब्सक्राइब सिंपल इस तरीके से कर लेना है, और अनलॉक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर दोनों यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेके आप चाहो तो अनलॉक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो।